तो गाइस फाइनली प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। कुनाली खतरनाक डर गया था भाई। कुनाली को कैसा लगा? हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस एक खुराफाती आइडिया मेरे दिमाग में है, मेरे पास ये डरावना मास्क भूत वाला। तो कुनाली स्कूल से आने वाला है, उसको डराते हैं, एकदम से अंदर आएगा ना, अंदर अंधेरा कर लेता हूँ तो वो आने वाला है। चलो भाई ट्राई करते, कैमरा लगाता हूँ और देखते हैं वो डरता है नहीं डरता इससे। तो गाइस मैं तो रेडी हूँ, अंधेरा कर दिया है, होपफुली डरावना लग रहा हूँ। तो फिलहाल कैमरे में देखते हैं। तो ये प्रैंक कुनाली के साथ में भी करेंगे और पीयूष के साथ में भी करेंगे, दोनों के साथ में करेंगे। अभी अंदर अंधेरा हो रखा है, कैमरे की क्वालिटी अच्छी है इसलिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अंधेरा है। आ गया आ गया आ गया आ गया कुनाली। डर गया था। तो गाइस फाइनली प्रैंक सक्सेसफुल हो गया। कुनाली खतरनाक डर गया था भाई। कुनाली को कैसा लगा? इसको निकाल एक बार, कैसा लगा आपको? ऐसा लगा भूत है लगा ना? नहीं, जब आपने मास्क पहना हुआ था ना, तब मेरे को नीचे से कुछ और ही लगा, नीचे से आदमी लगा, ऊपर से भूत लगा। मेरे को लग रहा था सर मास्क से तो नहीं डरा रहे होंगे। अब सुनो पीयूष आएंगे ना, अब पीयूष डबल डराएंगे। आप भी डरना सौदा, इसके लिए कपड़े भी चाहिए यार, जो कोई नीचे से देख लेगा उसे आदमी लगेगा। हाँ यार कुनाली ने सही पॉइंट पकड़ा, मतलब नीचे से तो आदमी लग रहा है, ऊपर से भूत लग रहा है, नीचे से आदमी लग रहा है। कुनाली क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? लिपस्टिक। सौदा जो मैं डरा था ना वो जिंदगी में भी नहीं भूलूंगा। ज्यादा डर गए थे। बाय द वे गाइस आजकल चल रही है दिवाली की सफाई, इसलिए देखो यहाँ पे सारा सामान बिखरा पड़ा, सारे बर्तन वर्तन सब धोए जा रहे हैं। मतलब घर देखो पूरा बिखरा बिखरा सा पड़ा है, सारी सफाई करनी है। अब यहाँ पे देखो यहाँ भी सारा ऐसी सामान पड़ा है, यहाँ भी ऐसी पड़े, कुर्सी वर्सी सब कुछ। तो गाइस खाना रेडी होने वाला है, बस लास्ट सीटें निकालनी है इसकी। ये कपड़ों की टोकरी को फैला रहा है उल्टा करके, मार खाएगा। चलो फिलहाल खाना खाते, खाना रेडी हो गया। तो भी गाइस फाइनली पीयूष भी आने वाले, जल्दी डराते हैं उसको, जल्दी से लाइट बंद करो, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। आ गया आ गया पीयूष है ना, ये पुत्री भाई। कुछ मंगाया था इसमें, आई थिंक गद्दा है। हम डेली व्लॉग में कुछ ना कुछ अनबॉक्स कर रहे हैं भाई, हमारे पास कुछ ना कुछ आया जा रहा है, कुछ ना कुछ आया जा रहा है। अभी और भी आएगा कुछ, बहुत सारी चीज आने वाली है। तो गाइस ये बहुत काम की चीज है गाड़ी के लिए, भाई गाड़ी में चलो इसको लेके। तो गाइस फाइनली हमने हवा भर लिया गद्दे में, अरे उल्टा लगा दिया हमने, अब आया मजा, ये देखो। हाँ, अब और कंफर्टेबल है। तो गाइस ये बेसिकली एक कार बेड है जो कि कार की बीच वाली सीट में रहता है और काफी कंफर्टेबली इसमें, मतलब एक बंदा तो सो सकता है, अगर मान लो कोई बीमार हो या फिर कुछ भी इमरजेंसी वगैरह हो, लेट के जाना हो, तो ये उसके लिए बेस्ट है। तो ये मैंने इसलिए मंगा लिया और कैंपिंग में भी यूज़ कर लें कहीं, मतलब गाड़ी में पड़ा रहेगा। और ये गाड़ी से ही फुलता है, जैसे कि आपने देखा ये गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक लगता है इसका और गाड़ी से ही फुलता है, तो और ये काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा सा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे, इसलिए मैंने मंगा लिया था। और साथ में इसके तीन तकिया भी हैं। देखो इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसको गाड़ी से ही फुला सकते हैं भाई, फट जाएगा फट जाएगा। चलो अब घर वालों को दिखाते हैं, तो अभी सभी खाना खा रहे हैं, इसके बाद दिखाते हैं सबको। अच्छा है, अच्छा है, सीधा मतलब कमर सीधी हो गई इसमें, कंफर्टेबल है ना। हाँ, जैसे दो जने आ जाएंगे चाची। हाँ, दो जने। तो गाइस गद्दे पे बड़ी मम्मी और मम्मी तो बैठ चुकी है, और दो जन के लिए सही हो रहा है, आराम मिलता है थोड़ा, तीन जने आ सकते हैं। तो भी गाइस मम्मी और चाची दोनों लेट चुके हैं, मतलब सही है, अगर कभी लंबा ट्रैवल करेंगे ना मम्मी के साथ में, मम्मी को अगर सोना होगा तो मम्मी के लिए फुला देंगे मस्त, और फुलाने में टाइम भी नहीं लगता, मतलब बहुत इजीली 5 सेकंड में फुल जाता है। अरे हवा निकल गई, हवा निकल गई, हवा निकल गई भाई, हवा निकल रही है इसकी, अरे हवा निकल रही है, हवा निकल रही है। फट गया फट गया फट गया फट गया, सच्ची फट गया? नहीं यार फट गया, अबे इससे फट गया यार ये, नहीं यार अड़ी फट गया, सच्ची फट गया, चल मेरे को पागल बना रहे, अरे झूठ बोल रहा हूँ, फट गया दिखा, ये देख मैं दिखाता हूँ, अरे छोड़ फट गया यार गाइस, फट गया पहले ही दिन, फट गया फट गया फट गया, सच्ची बोल रहा हूँ फट गया, कहाँ दिखा, ये दिखाता हूँ गाइस, ये तो फट गया। अब यार नकली चीज है गाइस, मत लेना नकली चीज है। अब क्या करें, पंचर लगाओ उसका, पंचर किट आई थी इसके यहाँ, पंचर किट भी है, कहाँ है और क्या,
छी अरे क्या था यार, इतने में ही फट गया, क्या ही रह गए। गाइस इतना बड़ा कट लग गया देखो। गाइस पहले ही दिन पोपट होता ही होता है, कुछ भी नई चीज लेते हैं ना पहले दिन पोपट होता ही होता है। इतने मेहनत से लाए थे हम। आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। चार्जर को निकाल के इसमें रखेंगे हम। लो भाई पंचर तो लगा दिया है, बट देखते हैं। तो गाइस पंचर लगा तो दिया हमने, देखो चिपक तो गया अच्छे से। गाइस पूरी हवा निकल गई, देखो इसको पूरी हवा। तो भरते हैं, पंचर तो हमने लगा लिया देखो। चलो देखते हैं पंचर कामयाब होता है या नहीं होता। बाकी ये तो फुला हुआ है इसका, ये ही फुला हुआ है। भर गया भर गया भर गया भर गया भर गया भर। तो गाइस फुला तो दिया, अब चेक हवा, चेक कर हवा तो नहीं आ रही पंचर से। पंचर से हवा तो नहीं निकल रही। नहीं नहीं निकल रही। कान लगा ना, कान लगा उसके, कान तो लगा रखे। तो बस नुकीली चीज से बचा के रखना पड़ेगा गाइस। तो भाई कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है फुल। चले फिर कहीं चले, चलो भाई घूमने चलते हैं। ऐसे चले ऐसी? हाँ भाई सही लग रहा है यार, मतलब काफी स्पेस है ना। चलो भाई ओरियो को लेके चलते हैं, ओरियो को ट्राई करवाते हैं, ओरियो के लिए भी सही है। तो अब फिलहाल मैं चला रहा हूँ गाड़ी। तो कुणाल पीयूष कैसा लग रहा है पीछे? मतलब कम्फर्टेबल लग रहा है? तो गाइस अभी यहाँ पर गाड़ी चल रही है और कुणाल और मैं बैठे पीछे। कुणाल कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है, थोड़े झटके लग रहे हैं, एक दूसरे का सर लग रहा है हमारा। ओ भाई पूरा है ना ये, बिल्कुल गाड़ी जितना ही है सर। दे क्या गुंडा किन चूज रहा है, गुंडा किन चूज रहा है सर। दे गाड़ी चला रहे हैं और हम यहाँ पे आराम कर रहे हैं। ये देखो, अब देखो, अब आपको अगर कुछ करना है, कुछ खाना वाना है तो यहाँ पर रख के खा सकते हो। और पीछे इतना सॉफ्ट है ना पीछे, और सामने अगर पहाड़ से आ रहे हो तो व्यू का एंजॉय कर सकते हो। कर रखा है तुमने तांत्रिक। गाइस मैं तो यूज कर नहीं पाऊंगा बिकॉज़ मेरे को तो ड्राइव करनी है भाई। तो गाइस हम गाड़ी में बैठे ना, ऐसा लग रहा है कि मैं सोफे में बैठा हूं भाई। तो मस्त हो गया, मतलब मेरे को बैठने में बैठा हूं, अगर पीछे सहारे लेने वो भी कर रहा हूं, और मेरे को अगर सोना है तो सो जा। तो भी गाइस हमारे गर्मा गर्म मोमोज आ चुके हैं देखो, लाल चटनी के साथ में। तो खाते हैं मस्ती ना भाई। तो काफी कम मोमोज है तो हम दो मोमोज ही खाएंगे, ज्यादा नहीं खाएंगे। इसके बाद फिर जूस ही पीना है। अब चलते हैं बॉय के पास में, उनके लिए नारियल पैक करा लिया एक। नमस्कार नमस्कार। देखो पीछे कितनी खतरनाक रिवर है। जब बारिश आती है ना, बारिश आने के बाद ना पहाड़ का सारा पानी नदी में आता है, फिर नदी में आने से पानी बढ़ जाता है, पानी बढ़ने के बाद वैसा हो जाता है। अब इसमें जाएंगे तो सारे बह जाएंगे। तो अभी हमारा खाना आ चुका है, मैगी और बन मक्खन और बन मसाला, ये है लेमन टी। तो गाइस आज हम पैसे दे के जाएंगे। देखो यहाँ पे कुनाली लगा हुआ है साफ सफाई करने में। कुनाली क्यों कर रहे हो साफ? पता नहीं क्यों टेबल साफ कर रहे हैं खुद से। गाइस यहाँ तो हमको अंधेरा हो गया, पता नहीं चला गप्पे लड़ाते लड़ाते सारी बात करते करते नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी करते करते। तो अब चलते हैं घर, तो हम जल्दी ही निकलने वाले हैं मस्त नेक्स्ट ट्रिप पे, हमारी थार मिल जाए बस। बाय बाय कुणाली, लव यू। गाइस पता नहीं बाहर क्या चल रहा है। चलो भाई फाइनली निकल चुके हैं ट्रैफिक में। पता नहीं क्या हो रहा था, मतलब झांकी टाइप की आ रखी थी, इतना ट्रैफिक, इतनी देर से फंसे थे, मेरे को तो यहीं पर नींद आ गई भाई। क्या हो रहा था? काली माता का जय हो रहा था वहाँ पे। तो गाइस अभी घर पहुँच चुके हैं और चलते हैं बाहर, लेकिन हम गद्दों को ही रखेंगे बिकॉज देखते हैं कि ये सुबह तक रह पाते हैं या फिर फुस हो जाते हैं। चलो मतलब देखना है कि इसकी हवा निकलेगी नहीं निकलेगी सुबह तक। पंचर लगाया था इसीलिए। हाँ पंचर लगाया था ना, मतलब प्रैक्टिकली हमने गद्दों को यूज करके देख लिया अच्छे से, हमने ट्रैवल भी कर लिया अच्छे से, मतलब ये दोनों उसी में बैठे हुए थे तब से। अब बस रात तक पड़ जाएंगे गाड़ी में, सुबह चलेगा पता कि हवा निकलती है नहीं निकलती। सर्द आ गए हैं वाली। तो भी गाइस फिलहाल डिनर करते हैं, करेला रोटी एंड कड़ी। कुणाली तो गाइस डिनर हो चुका है, चलते हैं अपने रूम में। गुड नाइट दोस्तों, बाय। तो गाइस आज पता नहीं कितने सालों के बाद आपको मेरे बेड पे न्यू बेडशीट देखने को मिली होगी। देखो ये मैं भी अभी खुद देख रहा हूँ भाई, मम्मी ने पता नहीं कब बिछा दी, लेकिन तकिया का कवर वही है, बाकी ओढ़ने वाला ये तो सब रोज रोज का। देखो कितना गंदा भी हो रखा है भाई, तो बहुत गंदा हो रखा है, ये धुलवाना पड़ेगा, लेकिन ये तो कितना प्यारा लग रहा है यार। कुछ नई नई चीज़ होती है ना, मस्त सी लगती है। चलो फिलहाल एडिटिंग शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है, अब फिलहाल मैं करूंगा ड्राइंग। तो मेरे पास न्यू स्केचबुक है ये, और मैं क्या बना रहा हूँ वो आपको थोड़ी देर में चलेगा पता। अभी स्टार्ट करता हूँ, उसकी आईज बनाता हूँ, फिर गैस करना कि मैं क्या बना रहा हूँ, आप खुद ही गैस करना। मैं बना रहा हूँ अपने एक फ्रेंड को। तो गाइस अब तो समझ ही होगी मैं किसको बना रहा हूँ, हमारे श्लोक भाई टैग बर्नर। ऐसे ही बंद कर रहा था, तो कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। अभी तो बहुत काम बाकी है, मैं इस पर 3 घंटे से बैठा हूँ भाई, 3 घंटे में सिर्फ इतना ही हुआ है, क्योंकि पेंसिल बहुत आराम से चलानी पड़ती है ना, तो ऐसे पेंसिल चलानी पड़ती है बिल्कुल आराम से। लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा है यार, ड्राइंग तो यार प्यार है, मतलब मैं करता कम हूँ आजकल क्योंकि व्लॉगिंग की वजह से,
लेकिन जब मैं करने लग जाऊँ ना, मैं 10-10, 20-20 घंटे बैठ रहता हूँ खाली टाइम में। जैसे अभी एडिटिंग जल्दी हो गई थी तो अब कर रहा हूँ, ऐसे खाली टाइम में करूँगा मैं। तो गाइस आज इसको इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे। चलो इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते गए जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस अभी गाड़ी चल रही है और कुणाली और मैं यहाँ पर सोए हैं। गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। चुप चुप।